वंदे मातरम, नमस्कार। महान कलिकारी अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान क्रांतिकारी की जो मात्र 19 साल की उम्र में मां भारती के चरणों में समर्पित हो गए। 19 साल की वो उम्र जब लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है, जो उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, उस समय इस महान क्रांतिकारी ने गोला बारूद से खेलना अपना प्रोफेशन बनाया। जब लोग आस पड़ोस की बातों में मशगूल होते हैं, तब इन्होंने माँ भारती की सेवा में, माँ भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की इस तरह की प्रतिज्ञा ली कि जब तक माँ भारती को आजाद नहीं करा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान वीर, महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। साथियों, आज हम जिस महान व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत के हर युवा के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। वो उस समय माँ भारती के लिए कुर्बान हो गए जब लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। मैं खुदीराम बोस के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, इस महान क्रांतिकारी का जन्म 4 दिसंबर 1889 को फरीदपुर मिदनापुर पूरी बंगाल में हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश में है ये। इनके पिता त्रिलोक्यनाथ तहसीलदार थे, माताजी इनकी गृहिणी थी। सन 1994 में इनकी माता लक्ष्मी जी का निधन हो गया और उसी के एक साल बाद पिता का साया भी इनके सर चढ़ गया। उसके बाद में 6 वर्ष की आयु में इनका लालन पालन इनकी बड़ी बहन अनुप्रिया राय ने किया था। अनुप्रिया रॉय इनको अपने साथ ले गई और इनका हैमिल्टन स्कूल में दाखिला कराया। 1902 में ये महान व्यक्ति अरविंद घोष जैसे लोगों के संपर्क में आए। अरविंद घोष योगी, आध्यात्मिक गुरु, महान क्रांतिकारी, जिनके संपर्क में आने से इनमें बहुत कुछ बदलाव आया। आपको पता है वो दौर अनुशीलन समितियों का दौर था। उस समय ये राष्ट्र के महान महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 15 साल की उम्र में इन्होंने समाचार पत्र बांटना चालू कर दिया था। आपको पता है उस समय जन जागरूकता फैलाने का, लोगों में जानकारी बांटने का एक ही साधन था, समाचार पत्र। उस समय जुगांतर नामक समाचार पत्र बहुत प्रमुख समाचार पत्र था। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे हर माध्यम पर रोक लगाने की कोशिश कर दी जो कि लोगों में जन जागरूकता पैदा करे। जो भी समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर जो भी उनको बांटने वाले लोग होते हैं, उनको छापने वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर देती और उनको जेल भेज देती। खुदीराम बेखौफ निडर होके समाचार पत्र बांटा करते थे। एक बार जब ये पुलिस थाने के बाहर समाचार पत्र बांट रहे थे, तब एक पुलिस वाले ने इनसे पूछा, ये क्या कर रहा है तू? तो पुलिस वाले ने देखा कि इनके हाथ में समाचार पत्र है। जैसे पुलिस वाले ने इनको पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने उसके नाक पे इतना तेज मुक्का मारा कि उसकी नाक टूट गई थी। और उसके बाद काफी दिनों तक इनकी खोजबीन चलती रही थी, लेकिन ये पुलिस वालों के हाथ नहीं आए। उस समय कलकत्ता में एक जज थे, जज किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड भारतीयों के प्रति बहुत बेरहम जज थे। किसी सामान्य अपराध में भी वो भारतीयों को बहुत बुरी सजा देते। उसके बाद में इनका तबादला हो गया था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है, जहां इनका तबादला हो गया था। तो क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड को मारना है, लेकिन वो एक जज था, उनको मारना इतना आसान नहीं था। उसके लिए दो व्यक्तियों को चुना गया, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस। दोनों के दोनों व्यक्ति बम बनाने में एक्सपर्ट। खुदीराम बोस जितनी कम उम्र के थे उतने ही तेज तर्रार व्यक्ति थे, बम बनाने में ये निपुण हो चुके थे। ये उस समय बम बनाने में निपुण हो गए थे जब लोगों को बम के बारे में पता भी नहीं था। पूरी तरीके से मुजफ्फरनगर के क्षेत्र की रेखी की गई और 30 अप्रैल 1908 का दिन निर्धारित किया गया कि भाई इस दिन जज किंग्सफोर्ड को उड़ाना है। पता किया गया, जज किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब में आते हैं। जज किंग्सफोर्ड जब यूरोपियन क्लब में थे तो उनके साथ एक उनके मित्र भी थे, बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी। दुर्भाग्य से प्रिंगल कैनेडी और जज किंग्सफोर्ड दोनों की बग्घियां एक ही थी, एक जैसे रंग की थी। तो जब वो बाहर आए क्लब से
तब वो पहचान नहीं पाए कि कौन सी बग्गी किंग्सफोर्ड की है, कौन सी बग्गी प्रिंगल कैनेडी की। जब उन्होंने बम फेंका तो प्रिंगल कैनेडी की बग्गी पर बम पड़ा और उसमें प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई और जज किंग्सफोर्ड बच गया। वो बम फेंक के वो लोग भग गए थे। भगने के बाद में खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और इधर प्रफुल्ल चाकी एक व्यक्ति के संपर्क में आए जिनका नाम था त्रिगुणाचरण घोष। त्रिगुणाचरण घोष वह व्यक्ति थे जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो चाहते थे कि वो प्रफुल्ल चाकी की सेवा करें ताकि मातृभूमि का जो उनके प्रति कर्ज था वो कर्ज चुका सके। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी की अच्छी सेवा की और उनसे कहा कि आपको समस्तीपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन से जा रहे थे तो उस बग्घी के अंदर नंदलाल बनर्जी जो कि ब्रिटिश सरकार में उस समय सब इंस्पेक्टर थे वो बैठे थे। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के हाव भाव देखे तो उनको लगा कि ये कोई वही व्यक्ति है जिसने रात को बम फेंका था। आपको बता दूं जब भी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरनगर भेजा गया था बम फेंकने के लिए, जस्ट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, तो खुदीराम बोस को नाम दिया गया था हरेंद्र सरकार। खुदीराम बोस का नाम था हरेंद्र सरकार और प्रफुल्ल चाकी का नाम था दिनेश कुमार राय। इनको नाम परिवर्तन करके भेजा गया था ताकि संगठन के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लीक नहीं हो। प्रफुल्ल चाकी को पहचान कर नंदलाल बनर्जी ने पुलिस को कॉल कर दिया और आगे वाले मोकामा घाट स्टेशन पर आके प्रफुल्ल चाकी को पकड़ लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने बचने की खूब कोशिश की और पुलिस वालों के ऊपर एक दो फायर करके फिर अपने आप को गोली से उड़ा लिया और मां भारती की सेवा में समर्पित हो गए। गोली से उड़ाने का उनका जो मकसद था वो ये था कि वो संगठन की किसी भी तरह की जानकारी को लीक नहीं करना चाहते थे। संगठन के बारे में वो अंग्रेजों को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका संगठन स्ट्रांग रहे, क्रांति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आए। इसके लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर लिया। और इधर खुदीराम बोस को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम खुदीराम बोस है, जबकि खुदीराम बोस कह रहे थे कि मेरा नाम हरेंद्र सरकार है। कुछ समय बाद खुदीराम बोस के सामने प्रफुल्ल चाकी का सर लाया गया। अंग्रेजों ने बेरहमी की हद कर दी थी। प्रफुल्ल चाकी का सर लाके इनसे पूछा कि कौन है ये, तुम्हारा दोस्त दिनेश कुमार राय या प्रफुल्ल चाकी। फिर जब कोर्ट के अंदर हियरिंग चालू हुई तो खुदीराम बोस के वकीलों ने खुदीराम बोस को बचाने की काफी कोशिश की। सामान्य कोर्ट में इनको फांसी की सजा दी गई। फिर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में जब अपील की तो खुदीराम बोस के वकीलों ने जज के सामने यह दलील पेश की कि सर यह बच्चा छोटा है, इसको बम बनाने की कोई जानकारी नहीं थी, बम बनाने की सारी जानकारी प्रफुल्ल चाकी की थी, सारा प्लान उनका था, यह बच्चा तो केवल उनके साथ में था। लेकिन अंग्रेज सरकार खुदीराम बोस को फांसी देने का मन बना चुकी थी तो खुदीराम बोस को अंग्रेज सरकार के द्वारा कोर्ट के द्वारा फांसी दे दी, फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो खुदीराम बोस मुस्कुरा रहे थे। जज ने पूछा क्या तुम्हें पता फांसी क्या होती है। खुदीराम बोस बोले हाँ मुझे पता है फांसी क्या होती है, पर मौत से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भी भारत माता के लिए, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। खुदीराम बोस बोले अभी मेरे वकील साहब ने कहा था कि मुझे बम बनाना नहीं आता, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे बम बनाना आता है और यदि मुझे मौका मिले तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। ऐसे थे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जिनको अपनी फांसी की सजा सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जज से ये कह रहे थे कि मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। वो उम्र जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है, जाना कहाँ है, करना क्या है, रहना कहाँ है, उस समय वो माम एक जज के सामने ऐसी बात कर रहे थे जैसे कोई महान वीर महान योद्धा बात करता है। 11 अगस्त को इनकी फांसी का दिन डिसाइड हुआ। 11 अगस्त को जब इनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब वंदे मातरम के जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा था। खुदीराम बोस ने कहा था मैं फिर से जन्म लूंगा और मां भारती के लिए फिर से कुर्बान होऊंगा।
मैं फिर से जन्म लूंगा और मां भारती के लिए फिर से कुर्बान होऊंगा, और यदि मेरे चेहरे से पहचान ना हो सके मेरी, तो देख लेना मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान होगा, पर मैं आऊंगा जरूर। इस तरह के थे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जो कि वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे के साथ में फांसी के फंदे पर झूल गए। साथियों, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको कम से कम उन लोगों के बारे में पता तो लगे जिनकी वजह से आज हम बैठ के बातें चीतें कर रहे हैं, आज हम जिन मानवाधिकारों की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम अपने अधिकारों के बीच में ले आते हैं। आखिर में वो अधिकार हमको मिले कहां से? वो अधिकार ऐसे महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी की देन है। हमारे बैठे बैठे बात करने से वो अधिकार हमको नहीं मिले थे। आपको पता नहीं है शायद, 1856 से 1905 के बीच में पूरे भारत के अंदर 2,82,05,000 लोगों ने जान गंवाई थी, चाहे वो अकाल से हो चाहे किसी बीमारी से। कौन था उनका जिम्मेदार? अंग्रेज सरकार थी उनकी जिम्मेदार। और ये महान क्रांतिकारी अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि इनके सामने भारत के लोगों ने जान गंवाई थी और ये देख नहीं पा रहे थे कि हमारे लोग किस तरीके से मर रहे थे। मेरा मकसद है जागरूकता पैदा करना। अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है, काम देश के जो ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।